Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing some important MCQs of chapter number 3, data handling. Let us start. Question number first. In question number first is given the difference between the upper and the lower limit is called, it means the difference between upper or lower limit. तो upper और lower limit के difference को हम बोलते हैं that is class size. तो उसको क्या बोलेंगे? Class size. And the right answer is option number B. ठीक है, तो याद रखना, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हमेशा बोलते हैं क्लास साइज. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज, यानी वो प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, तो यानी उसका रिजल्ट क्या बताए, उसकी आउटकम्स को बताए कि आउटकम्स कितनी है. जैसे कि हम कभी भी एक कॉइन को फेंकते हैं, तो कॉइन को फेंकेंगे तो उसकी आउटकम्स क्या हो सकती है? हेड भी हो सकती है और टेल भी हो सकती है, हेड भी हो सकती है और टेल भी हो सकती है ना. तो इट मीन्स जो उसकी आउटकम्स है वो क्या है? हेड और टेल. सेम, तो ऐसी प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, यानी जिसका आउटकम्स क्या हो, डिफाइन हो कि इसका आउटकम्स क्या होगा. सेम, अगर हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो डाइस के जो आउटकम्स हो सकते हैं, तो वन आएगा या टू, थ्री, फोर, फाइव या सिक्स, तो यही आउटकम्स होंगी. तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट. क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट, यानी वो प्रोसेस जिसके रिजल्ट क्या हो, पहले से ही डिफाइन हो कि आउटकम्स क्या है, आ सकती है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा. ठीक है, डाटा गिवन दे रखा है, तो इसका यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है. लेट अस सी हाउ वी सॉल्व. तो जब कभी भी किसी भी डाटा का अगर हमको मीडियन फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. देन डाटा में सबसे छोटी वैल्यू दे रखी है 33. देन उसके बाद वैल्यू दे रखी है 35. देन 41, देन 58, देन 64, देन 77, देन 87, देन 90 एंड 92. ठीक है, तो गिवन डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आ गया 33, 35, 41, 46, 55, 58, 64, 77, 87, 90 एंड 92. ठीक है, तो जब कभी किसी भी डाटा का अगर क्या फाइंड आउट करना हो, मीडियन फाइंड आउट करना हो, तो उसको अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में.
देन अरेंज करने के बाद उस डाटा का क्या फाइंड आउट करेंगे, मिडल मोस्ट टर्म को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. लेट अस सी हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. इट मीन्स 11 टर्म्स इसके अंदर दे रखी हैं. तो अगर 11 टर्म दे रखी तो मिडल टर्म क्या होगी. तो मिडल टर्म अगर निकालेंगे तो 5 इज साइड और 5 इज साइड. तो राइट साइड को भी 5 ड्रॉप कर देंगे और लेफ्ट साइड को भी 5 को ड्रॉप करेंगे. देन जो मिडल टर्म आएगी वो क्या आएगी, 58. देन द राइट आंसर इज 58. दोबारा देखेंगे, गिवन डाटा दे रखा है, उसको मीडियन हमको फाइंड आउट करना है. तो जब कभी किसी भी डाटा का अगर मीडियन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो इस डाटा को हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडल मोस्ट टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे जो कि है 58. इट मीन्स गिवन डाटा का मीडियन क्या होगा, 58. एंड द राइट आंसर इज पार्ट नंबर सी. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन ए बार चार्ट ए बार ऑफ ए लेंथ 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इफ 1 सेंटीमीटर इज 1.5 L. What will be 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कह रहे हैं बार चार्ट पे एक 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है ड्रॉ करनी है. तो अगर 1 सेंटीमीटर शो करता है 1.5 L को, देन 4 सेंटीमीटर शो करेगा 1.5 L into 4. तो यहां से सोल्व करेंगे 5, 4, 5 या 20, 0, 2 carry, देन 4, 1 या 4 प्लस 2, डेट इज 6 L. ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. दोबारा देखेंगे, कह रहा है किसी बार ग्राफ के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर बार ग्राफ के अंदर शो करता है 1.5 L को, देन 4 सेंटीमीटर शो करेगा 1.5 इंटू 4, दैट इज 6 L. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 46 एंड द मीन वेट ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स, बॉयज इज 50 एंड द गर्ल्स इज 40. देयरफॉर द नंबर ऑफ द बॉयज इज, लेट अस सी द मीन वेट ऑफ द 100 स्टूडेंट. तो यहां से मीन वेट दे रखा है 100 स्टूडेंट का, वो 46 दे रखा है. देन मीन जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट. बाय में टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, देन मीन की जो वैल्यू दे रखी है 100 स्टूडेंट का जो वेट है उसके मीन की वैल्यू दे रखी है 46 एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है दैट इज 100. तो हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 100 स्टूडेंट, सम ऑफ द वेट ऑफ 100 स्टूडेंट. सम ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया 4600. इट मींस सम ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 4600. सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट
डेट इज 4600। देन क्वेश्चन में दे रखा है द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 50 एंड द गर्ल्स इज 40 केजी। देन फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ द बॉयज इज। The mean weight of the boys that is 50 and the girls is 40, the number of the boys is, let number of the boys is, number of the boys is x, ठीक है। अगर total number of the boys अगर x है, sorry, अगर total number of the boys क्या दे रखे x है और total number of the student दे रखे 100, इट मीन्स 100 स्टूडेंट्स में से x क्या है, बॉयज है। देन नंबर ऑफ द गर्ल्स क्या होंगी, ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट में से x बॉयज हैं, देन गर्ल्स होंगी 100 माइनस x, देन नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 100 माइनस x, ठीक है। देन सॉल्व करेंगे, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 50, द मीन वेट दे रखा है 50 एंड टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इज x, देन द टोटल वेट ऑफ द बॉयज इज 50x, सेम नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 100 माइनस x, तो नंबर ऑफ द गर्ल्स दे रखी 100 माइनस x और जो मीन वेट है गर्ल्स का वो दे रखा है 40, देन टोटल वेट ऑफ द गर्ल्स इज 40 इंटू 100 माइनस x, तो बॉयज और गर्ल्स के अगर वेट को हम ऐड करेंगे तो कितना दे रखा है, सम ऑफ द वेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट दैट इज 4600। देन सॉल्व करेंगे, तो यहां से सॉल्व करेंगे 50 इंटू एक्स 50x, तो 40 इंटू 100 That is 4000 and 40 into x that is 40x is equal to 4600. Then 50x minus 40x that is 10x plus 400 is equal to 4600. Then x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से, then 10x equal to 400 ब्रैकेट से इसे ऐड आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4600 माइनस 400 दैट इज 600। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 600 डिवाइड बाय 10 दैट इज 60। इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज 60, इट मींस द नंबर ऑफ द बॉयज इज 60 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक बार दोबारा देखेंगे, the number of the mean weight of 100 student in a class is 46, तो 100 student का जो mean weight दे रखा हो दे रखा 46 kg, तो यहां से हमने find out करा कि जो total weight है of the 100 student वो क्या आ गया 4600। then उसके बाद दे रखा है the mean weight of the boys is 50, तो mean weight जो है boys का 50 है and girls का 40 है। देन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ द बॉयज को, तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ द बॉयज है वो है x, देन अगर 100 स्टूडेंट्स में से x बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी बची, 100 माइनस x, देन मीन वेट ऑफ द बॉयज इज 50, देन x बॉयज का वेट होगा 50 इंटू x 50x, सेम अगर गर्ल्स का जो वेट हो दे रखा है 100 माइनस x और मीन वेट ऑफ द गर्ल्स इज 40, देन 100 माइनस x का होगा 40 इंटू 100 माइनस x, तो यहां से आ गया सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल बॉयज इज एड विद सम ऑफ द वेट ऑफ द ऑल गर्ल्स
इज इक्वल टू सम ऑफ द वेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट दैट इज 4600। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 50x एज इट इज 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ दैट इज 4000 एंड 40 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ दैट इज 40x। देन यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ गया 60। इट मींस द नंबर ऑफ द बॉयज इज 60 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, the probability of an experiment cannot be greater than, ठीक है, तो कह रहा है किसी भी experiment की जो probability होगी वो जो value है greater than नहीं हो सकती 1 से, and the right answer is part number C, ठीक है, यानी किसी भी event की अगर हमको probability निकालनी है तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है 1 से और ग्रेटर देन इक्वल टू होती है हमेशा 0 से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन पूछ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। Then the right answer is part C. Let us see the next question, question number 7. The numbers of times an observation occur in data is called aids. ठीक है, तो कह रहा है the number of the times of an observation, किसी भी डाटा की ऑब्जर्वेशन को अगर नंबर ऑफ द टाइम्स जो है तो हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ द टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा, किसी भी डाटा के अंदर ऑब्जर्वेशन का नंबर ऑफ द टाइम्स वो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देन द राइट आंसर इज पार्ट नंबर डी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, when a coin is thrown, total number of the possible outcomes is, then, एक जब कभी भी एक coin को हम फेंकेंगे तो outcomes या तो होगी head और या फिर आएगा tail, ठीक है। तो कभी भी coin को फेंकने के बाद या तो head आता है या फिर tail आता है, यानी जो total outcomes होगी वो होगी 1 and 2, that is 2। एंड द राइट आंसर इज पार्ट बी, ठीक है। तो कभी भी किसी भी कॉइन को फेंकने पर जो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स हो सकती है या तो हेड होगी या फिर टेल होगी, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगी, 2 होंगी, हेड या फिर टेल। एंड द राइट आंसर इज बी पार्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The mean of 6, y, 7, x and 14 is 8. Which of the following is true? Let us see. Mean is equal to sum of all observation by me total number of observation, then इधर देखा है कि जो mean है
इन सभी डाटा का वो दे रखा है 8, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2, देन मीन इज गिवन दैट इज 8, देन इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14, देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देन द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज 5. देन सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8, 5 या दैट इज 40 इक्वल टू 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 40. देन सभी कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 40 इज इक्वल टू 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 दैट इज 13 प्लस 14 दैट इज 27 प्लस एक्स प्लस वाई. देन यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 27 इस साइड आकर माइनस का, दैट इज 40 माइनस 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. देन 40 माइनस 27 दैट इज 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. दोबारा देखेंगे, द मीन ऑफ 6, वाई 7 एंड एक्स एंड 40. तो 5 जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दे रखा है 8. तो मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो पांचों ऑब्जर्वेशन का जो सम दे रखा हो दे रखा 8, सॉरी जो मीन दे रखा हो दे रखा 8, पांचों ऑब्जर्वेशन का जो मीन दे रखा है वो दे रखा 8, एंड सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स एंड प्लस 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वो दे रखी है 5. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जो दैट इज 40 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14. देन यहां से कॉन्स्टेंट वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने पे आ गया 27. देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 27 इस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 40 माइनस 27 दैट इज 13. इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10, if 1 centimeter is equal to 15 student, then what will be the length of the line for 90 student? One centimeter shows 15 students. What will be the length of the line for the 90 student? तो अगर एक सेंटीमीटर शो करता है 15 स्टूडेंट को, इट मीन्स वन स्टूडेंट शोज 1/15 सेंटीमीटर. ठीक है, देन हमको फाइंड आउट करना है कि 90 स्टूडेंट के लिए वैल्यू क्या होगी. अगर एक स्टूडेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/15 सेंटीमीटर, 90 स्टूडेंट की वैल्यू होगी 1/15 इंटू 19, दैट इज 15 वन जा 15, 15 सिक्स जा 90 एंड द आंसर इज 6 सेंटीमीटर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एक सेंटीमीटर शो करता है 15 स्टूडेंट को,
देन 90 स्टूडेंट कितने सेंटीमीटर के द्वारा शो किए जाएंगे? तो अगर एक सेंटीमीटर शो करता 15 स्टूडेंट को, इट मींस वन स्टूडेंट शोन बाय 1/15 सेंटीमीटर. देन हमको फाइंड आउट करना है 90 स्टूडेंट. देन वन स्टूडेंट इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर. देन 90 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/15 इंटू 90. देन यहां से कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर. देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Let us see the next question. The mean of 5 numbers is 27. The mean of 5 number is 27 if one of the number is excluded and the mean get reduced by 2. Then what is the excluded number? Let's see. Mean is equal to 5 of the observation by a total number of observation. ठीक है, देन मीन दे रखा है 5 नंबर्स का, दैट इज 27 इज इक्वल टू देन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय मे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज 5. देन सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो यहां 27 इंटू 5 देन मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 5 दैट इज 135. इट मीन सम ऑफ द ऑफ ऑल द 5 नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज 135. देन नेक्स्ट दे रखा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड एंड द मीन गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2. ठीक है, इट मीन्स 135 जो सम है सभी नंबर्स का, उसमें से एक नंबर्स को क्या कर दिया, निकाल दिया गया. तो मान ले तो नंबर निकाल दिया गया 135 में से, x को जो है निकाल दिया गया. ठीक है, देन मीन्स गेट बी रिड्यूस्ड बाय 2. तो मीन जो कि 27 था वो घट के कितना हो गया 25 इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज 135 माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पहले 5 थी और अगर एक निकाल दी गई तो बची 4. यहां से सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इंटू 4 डेट इज 100 इज इक्वल टू 135 माइनस एक्स. तो यहां सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ गई 35 एंड द नंबर इज 35 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. दोबारा देखेंगे, मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 27. तो 5 जो नंबर्स का जो मीन दे रखा है वो दे रखा है 27. तो मीन होता है इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो मीन की वैल्यू पुट करेंगे 27 इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालेंगे यहां से, तो मीन की मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी 27 इंटू 5 दैट इज 135. इट मीन सभी जो ऑब्जर्वेशन का सम है वो क्या गया 135 आ गया. देन दे रखा है,
इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, कह रहा है अगर इन सभी नंबर में से एक नंबर को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, तो मान लेते हैं वो नंबर है दैट इज एक्स, तो सम क्या बचा, वो बचा 135 माइनस एक्स। देन दे रखा है द मीन गेट रिड्यूस्ड बाय 2, यानी मीन अगर 27 था तो 2 से 2 जो है उससे कम हो गया, इट मीन 27 माइनस 2 दैट इज 25, ठीक है। तो अब मीन बचा 25 और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बचा, वो बचा 135 माइनस एक्स, ठीक है। देन जो नंबर्स थे वो थे 5 नंबर्स, और उनमें से अगर एक नंबर बचा निकल गया तो बच गए 4 नंबर्स। देन वैल्यू पुट करेंगे मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देन यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आ गई 35। इट मीन्स द एक्सक्लूडेड नंबर इज 35 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Let us see the next question, question number 12. Find the mean of sum of 18 observation is 90. Then mean find out karna hai, to mean is equal to sum of all observation by me total number of the observation. देन वैल्यू पुट करेंगे सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज 90 एंड द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज 18। देन कैंसिल आउट करेंगे 18 वन जा 18 एंड 18 फाइव जा 90। देन द मीन इज 5 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देखेंगे फाइंड ऑफ द मीन, मीन फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ द 18 ऑब्जर्वेशन दे रखा है दैट इज 90। देन वैल्यू पुट करेंगे मीन इक्वल होता है सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देन सम दे रखा है 90 और टोटल नंबर दे रखा है 18। देन कैंसिल आउट करेंगे तो मीन आ गया 5। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 गिवन नंबर इज 85, व्हाट इज देयर सम। लेट्स सी, जो मीन की वैल्यू दे रखी हो दे रखी 85 एंड द 5 गिवन नंबर देन टोटल नंबर्स इज 5। देन हमको फाइंड आउट करना है What is their sum? Let us see. Mean is equal to sum of all observation by me total number of observation. ठीक है, देन वैल्यू पुट करेंगे मीन की वैल्यू दे रखी है दैट इज 85 और सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन हमको फाइंड आउट करना है एंड टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन दे रखी है दैट इज 5। तो यहां से सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन सम ऑफ द All observation, sum of the all observation आ गया 85 into 5, then multiply करेंगे 85 into 5, that is 5 जा 25, 5, then 2 carry, 5 8 जा 40 plus 2, that is 42, and the sum of the all observation, that is 425,
एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देखेंगे, अर्थमेटिक जो मीन दे रखा है फाइव नंबर्स का, वो दे रखा है 85, तो उनका सम निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे मीन की टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन के साथ। तो मीन दे रखा है 85 और टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन दे रखी है 5, तो आ गया 85 इंटू 5 दैट इज 425 एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड एंड नंबर ऑफ द आउटकम्स। तो टू डाइस को क्या किया गया है, थ्रोन किया गया है, तो नंबर ऑफ द आउटकम्स क्या होंगी वो फाइंड आउट करना है। लेट अस सी, मान लेते हैं जो आउटकम्स होगी, फर्स्ट डाइस पे भी वन आई होगी और सेकंड पे भी वन आई होगी। देन फर्स्ट डाइस पे वन आई होगी और सेकंड डाइस पे टू, देन सेम वन थ्री, वन फोर, वन फाइव एंड वन सिक्स, ठीक है। या फिर फर्स्ट डाइस पे टू आया होगा और सेकंड पे वन, या फिर फर्स्ट डाइस पे टू और सेकंड पे भी टू, देन टू थ्री, टू फोर, टू फाइव एंड टू सिक्स। सेम फर्स्ट डाइस पे थ्री, सेकंड पे वन, या फिर फर्स्ट डाइस पे थ्री, सेकंड पे टू, या फर्स्ट डाइस पे थ्री और सेकंड पे भी थ्री। फर्स्ट डाइस पे थ्री, सेकंड पे फोर, थ्री फाइव या फिर थ्री और सिक्स, ठीक है। या फिर जो पेयर होगा वो होगा या तो फर्स्ट डाइस पे वन आया होगा या फिर और सेकंड पे, सॉरी फर्स्ट डाइस पे फोर और सेकंड पे वन, या तो फोर वन का पेयर होगा या फिर फोर टू का, फोर थ्री या फिर फोर फोर, फोर फाइव या फिर फोर सिक्स। या फिर फर्स्ट डाइस पे फाइव और सेकंड पे वन, फर्स्ट डाइस पे फाइव, सेकंड पे टू, फाइव और थ्री का पेयर, फाइव और फोर का पेयर, या फिर फाइव और फाइव का पेयर, फाइव और सिक्स का पेयर, या फिर सिक्स जो फर्स्ट डाइस है उस पे सिक्स आया होगा और सेकंड पे वन आया होगा, सिक्स वन का पेयर, सिक्स टू का पेयर, सिक्स थ्री का पेयर, सिक्स फोर का पेयर, सिक्स फाइव का पेयर और सिक्स सिक्स का पेयर। इट मींस जब कभी भी टू डाइस को हम थ्रोन करेंगे तो आउटकम्स हो सकती है वन वन से लेकर और सिक्स सिक्स तक, देन ये टोटल आउटकम्स हो गई 36। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स व्हेन द टू डाइस आर थ्रोन दैट इज 36 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स कैन बी गेट इफ वी टॉस ए क्वाइन एंड थ्रोन ए डाइस, ठीक है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स क्या होंगी अगर मैंने क्वाइन को टॉस किया, देन क्वाइन को टॉस करने पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और उसके बाद
एक डाइस को थ्रोन किया, तो डाइस को थ्रोन करने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा। देन आउटकम्स निकालनी है इधर से। देन जो कॉइन है उसको टॉस करने पर जो आउटकम्स है वो आई 2, और एक डाइस को थ्रोन करने पर जो आउटकम्स आएंगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, डेट इज 6। एंड द आउटकम्स इज 2, 6 एंड द राइट आंसर इज 2, 6, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।